मिट्टी में पानी मिलाते हो ना आप, तो वो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए वो जोन होता है प्री हीटिंग जोन आपका, उसी टाइम में 600-700 प्री हीटिंग जोन, उससे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो बोलते हैं फायरिंग जोन, जहाँ पे बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। जैसे भट्टी आपने देखी होगी CFC में, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे, तो वहाँ पे क्या है, पहले पतली है, फिर बीच में एक साथ एक चौड़ा पार्ट हुआ है, फिर आगे से फिर पतली होगी, तो वो जो चौड़ा वाला जो एरिया जो होता है, जो चौड़ा वाला कमरा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फायरिंग जोन। असली जो पकाई जो होती है, पकाई उसी में होती है, जो हम बोलते हैं कि 1100 टेम्परेचर चल रहा है हमारा, 1150 टेम्परेचर चल रहा है, 1200 टेम्परेचर चल रहा है, वो उसी बीच में होता है सेक्शन में, जो हमारा फायरिंग जोन होता है। उसके बाद देन उस फायरिंग जोन से आगे का जितना होता है वो होता है कूलिंग जोन, मतलब माल धीरे धीरे ठंडा होके निकलना होता है, मतलब पहले टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, तो दूसरी साइड से हमें निकल जाता है माल। ये तो हो गया हमारा आपका टनल, टनल भट्टी का प्रिंसिपल। समझ में आया ये चीज, कोई इसमें क्वेश्चन अभी तक? टनल भट्टी को क्या, यहाँ पे दो तरह से चलाते हैं, एक तो आपका गैस से भी चलता है और ये आपका ऑयल से भी चलता है। दोनों साइड से अगर बंद रहेगा तो गाड़ी निकलेगा कैसे, इसलिए उसके लिए क्या रहता है, पीछे पुशर लगा रहता है, वो एक एक गाड़ी को अंदर एंटर करा सकता है और दूसरी साइड से गाड़ी पक के निकलता रहता है। इसी तरीके का होता है, ठीक है, इसी तरीके का होता है गाड़ी जो अंदर रहता है। हाँ, गाड़ी इसी तरह का होता है लेकिन छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं। अच्छा, दूसरा भट्टी हो गया मैंने, टनल भट्टी का आपको समझ में आया, टनल भट्टी क्या होता है। अब यहाँ पे जो है ये भट्टी है हमारा शटल भट्टी, क्या नाम है इसका, शटल भट्टी, क्या नाम है, शटल भट्टी बोला करो तुम, वहाँ पे कौन सी थी, टनल भट्टी, ठीक है, याद रहेगा कौन कौन सी भट्टी होती है। अच्छा, अब शटल भट्टी में क्या है, शटल भट्टी में क्या है, ये सारे माल को इस ट्रॉली का हम लोग लोड कर देते हैं, सारे इस ट्रॉली पे क्या है, ये